हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं महाभारत के 10 अमेजिंग क्वेश्चंस के बारे में, यानी कि आज हम महाभारत के 10 प्रश्नों की बात करेंगे और हम उनके उत्तर भी देखेंगे। तो चलिए फाइनली वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पर स्टार्ट करने से पहले आप में से जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं वो मेरे चैनल को भी लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें ताकि जो वीडियोस आने वाली हैं नोटिफिकेशंस आपको पहले से ही और जल्दी मिलती हैं। तो चलिए फाइनली अब वीडियो को स्टार्ट करते हैं। प्रश्न नंबर 1, आप मुझको ये बताइए कि महाभारत किसने लिखी थी। तो इसका सही उत्तर है गणेश जी। देखिए, अब मुझे पता है कि बहुत सारे लोगों के मन में ये डाउट आ रहा होगा कि महाभारत तो महर्षि वेद व्यास ने लिखी थी, तो गणेश जी का नाम कैसे आया। तो देखिए, यहाँ पे हमारे दो प्रश्न बनते हैं। अगर हमसे पूछा जाए कि महाभारत किसने लिखी थी तो उसका आंसर है गणेश जी, क्योंकि यहाँ पर ऋषि वेद व्यास बोल रहे थे और गणेश जी यहाँ पर लिख रहे थे। पर अगर हमसे कहा जाए कि महाभारत के रचयिता कौन है, तब यहाँ पर हम कह सकते हैं महर्षि वेद व्यास, क्योंकि उन्होंने ही अपने शिष्यों को समझा के महाभारत को आगे बढ़ाया था। प्रश्न नंबर 2, धृतराष्ट्र और पांडवों के पुत्रों को क्या कहा जाता था, यानी वो बहुत किस नाम से मशहूर थे। तो देखिए, धृतराष्ट्र के पुत्रों को कौरव कहा जाता था, तो वहीं पांडु के पुत्रों को पांडव कहा जाता था। प्रश्न नंबर 3, महाभारत में कुल कितने पांडव थे और उनके नाम क्रम के अनुसार यानी कि बड़े से छोटे तक आप लगाइए। तो इसका सही उत्तर है कि महाभारत में कुल 5 पांडव थे और उनके नाम थे क्रम के अनुसार। सबसे बड़े थे युधिष्ठर, फिर भीम, उसके बाद अर्जुन, फिर नकुल और आखिरी में सहदेव। प्रश्न नंबर 4, पांडवों की माताओं का क्या नाम था, और यहाँ पे मैंने कहा है माताओं, यानी कि उनकी कुल 2 माताएं थी। अब आप मुझे उनका नाम बताइए। तो देखिए, इसका सही उत्तर है कुंती और माद्री। पर इन दोनों में से माद्री तो पांडु के साथ ही उन्होंने अपना जीवन सौंप दिया था, पर जो कुंती थी उन्होंने ही पांडवों का पूरा पालन पोषण करा था। प्रश्न नंबर 5, कुरुराज के कुल कितने हिस्से किए गए थे। मैं आपको एक हिंट देता हूँ कि यहाँ पे कुरुराज के 2 हिस्से किए गए थे। अब आप मुझे उन दोनों का नाम बताइए। तो इसका सही उत्तर है कि कुरुराज के कुल 2 हिस्से किए गए थे और उनके नाम थे पहला जो कि था हस्तिनापुर और दूसरा जो कि था इंद्रप्रस्थ। प्रश्न नंबर 6, कुंती का पूर्व नाम क्या था, यानी कि कुंती का जन्म से क्या नाम था। इसका सही उत्तर है कुंती का पूर्व नाम पृथा था। प्रश्न नंबर 7, पांडवों ने कुल कितने वर्षों तक राज्य किया। इसका सही उत्तर है पांडवों ने कुल 36 वर्षों तक राज्य किया। प्रश्न नंबर 8, पांडवों को कितने वर्ष का वनवास मिला था। इसका सही उत्तर है पांडवों को 13 वर्ष का वनवास मिला था, 12 वर्ष वनवास के बाद 1 वर्ष अज्ञातवास। अज्ञातवास वह पीढ़ी होती है जिसमें हम कोई भी शिक्षा नहीं ले सकते, हम किसी भी गुरु से ज्ञान नहीं ले सकते। प्रश्न 9, कुंती को दुर्वासा ऋषि ने प्रसन्न होकर क्या वरदान दिया था। इसका सही उत्तर है दुर्वासा ऋषि ने प्रसन्न होकर कुंती को यह वरदान दिया था कि कुंती भोजकन्ये, तुम जिस भी देवता का ध्यान करोगी वह देवता तुम्हें अपने ही समान एक तेजस्वी बालक प्रदान करेगा। प्रश्न नंबर 10, और यह है आखिरी प्रश्न, कि द्रोणाचार्य ने पांडवों से गुरु दक्षिणा के रूप में क्या मांगा था। इसका सही उत्तर है द्रोणाचार्य ने पांडवों से गुरु दक्षिणा के रूप में राजा
द्रुपद को कैद कर लाने के लिए कहा था। तो यही थे आज के हमारे 10 क्वेश्चन। तो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही, और अब बात कर लेते हैं अपने आज के मोटिवेशनल कोट के बारे में। तो आज का हमारा मोटिवेशनल कोट ये है कि हमें हमेशा मेहनत करनी चाहिए, क्योंकि मेहनत ही सफलता की कुंजी है। मेहनत भले ही नाम से एक छोटा शब्द है, पर इसका अर्थ उतना ही बड़ा है। मेहनत करते करते हमारी पूरी ऊर्जा शक्ति भी इस्तेमाल होती है, और हम जितना मेहनत करेंगे हम उतना ही आगे बढ़ते रहेंगे। मेहनत को हम इंग्लिश में प्रैक्टिस भी कहते हैं। इसको अगर हम अभ्यास कहें तो वो भी कुछ गलत नहीं होगा, क्योंकि एक तरह से अभ्यास और मेहनत करना एक ही बात होती है। इसलिए हम आज जितनी मेहनत करेंगे बड़े होकर वह ही हमारे काम आएगी। इसलिए हमें हमेशा अपने पूरे जीवन चक्र में मेहनत करती रहनी चाहिए। तो आज की वीडियो के लिए बस इतने। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी तो उसको लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।